हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सहायता पे आपका स्वागत है। रिलायंस जियो अपनी एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है, जिसमें वो आपको 3 महीने फ्री इंटरनेट यूज करने के लिए देगा और उसके बाद आपको 600 GB के लिए ₹500 देने होंगे। तो इस सर्विस के बारे में और भी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये न्यूज मैंने भास्कर.com पे देखी है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिलायंस जियो जल्द ही अपने यूजर्स के लिए ब्रॉडबैंड की सर्विस स्टार्ट करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत में आपको 3 महीने के लिए ब्रॉडबैंड सर्विस फ्री में दी जाएगी। इसका ट्रायल मुंबई में शुरू हो चुका है। इसे FTTH फाइबर टू द होम नाम दिया गया है और इसे गीगा फाइबर के नाम से जाना जाएगा। फ्री 3 महीने खत्म होने के बाद आपको 600 GB के ₹500 देने होंगे, जिसमें आपको 15 MB/s की स्पीड मिलेगी, वो भी पूरे 30 दिन के लिए। इस तरह से ये देखिए, और भी कुछ स्पेशल ऑफर है इसके, जिसमें आपको 500 GB मिलेगी ₹1000 में पूरे 30 दिन के लिए, जिसमें आपको 25 MB/s की स्पीड मिलेगी। अब आप बोलोगे कि 600 GB के लिए तो ₹500 देने होते हैं और 500 GB के लिए ₹1000, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब आप 600 GB लोगे तो आपको 15 MB/s की स्पीड मिलेगी, ओके। और जब आप 500 GB लोगे तो आपको 25 MB/s की स्पीड मिलेगी, इसीलिए आपको यहाँ पे 500 GB के लिए ₹1000 देने होते हैं, ओके। इस तरह से इसके ये कुछ और भी ऑफर है। तो रिलायंस जियो जल्द ही इस सर्विस को स्टार्ट करने वाला है। हो सकता है रिलायंस जियो आगे चल के अपने प्लान्स में कुछ चेंज कर दें, लेकिन अभी के लिए यही प्लान्स सामने आए हैं। तो जैसे ही रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड स्टार्ट होता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ओके। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।